आप सबको स्वागत है। आज हम 28 दिसंबर के ईश्वर वरदान में समझेंगे कि जो सांप दिखाया जाता है ना, शंकर जी के जो देवता कहते हैं हम, सूक्ष्म देवता, उनके शंकर जी के नेक के पास में, गर्दन के इर्द गिर्द जो सांप दिखाते हैं। ये अगर आप देखें एडम और ईव के मामले में भी, कि एक सांप ने उनको झांसा दिया, उनको बेवकूफ बनाया, वो सांप कौन सा सांप है वो हमें समझना पड़ेगा। ये सांप विष से रिलेटेड होता है। विष मतलब अगर आप किसी को पानी में विष डाल के देंगे तो हाँ, उसका शरीर को खत्म कर सकते हैं आप, लेकिन ये विष वो है जिसमें कि आप किसी को क्रोध करें, किसी को अहंकार में लेके आए, किसी को आप घृणा दें या किसी को आप नीचे दिखाएं, तो आप उसको भी विष दे रहे होते हैं। तो क्या हमारे अंदर इतना कंट्रोल है कि हमने इन विषों के ऊपर कंट्रोल पाया हुआ है कि हमसे किसी को क्रोध की महसूसता भावना, अहंकार की महसूसता भावना, ईर्ष्या घृणा की महसूसता भावना ना हो? क्या हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हमने इतना कंट्रोल कर लिया है? उसी को दिखाया जाता है कि वो सांप जो है वो शंकर जी के कंट्रोल में, और दिखाते हैं कि वो तीसरे नेत्र से, मतलब कि अपने आप को आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करते हुए, तीन धारियां मतलब तीन लोकों में, सबसे पहले लोक में सैर करनी, स्पिरिचुअल सैर करते हुए, परमात्मा से मिलन मिलाते हुए, हमने अपने पांच विकारों के ऊपर, लस्ट, एंगर, ग्रीड, ईगो, अटैचमेंट जिसको कहते हैं काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को कंट्रोल कर लिया। और जिसने इनके ऊपर कंट्रोल कर लिया उसकी छठी इंद्री उसकी तैयार हो जाएगी और उसके पांच कर्मेंद्रियों के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। आज इंसान पांच कर्मेंद्रियों के द्वारा सॉल्यूशंस ढूंढता है अपनी प्रॉब्लम्स के। परमात्मा कहते हैं छठी इंद्रिय को तैयार करो तो कि आप दूर दूर तक देख पाओ कि क्या हो सकता है फ्यूचर में। आपको औरों के संकल्प भी टच हो जाएंगे, आपको औरों की फीलिंग्स टच हो जाएंगी, इतनी आपके अंदर शक्ति आ जाएगी। आपको किसी चीज को फोर्स नहीं करना पड़ेगा, किसी के पैर नहीं पड़ने पड़ेंगे कुछ काम करवाने के लिए। आपको पता होगा किसके द्वारा करवाना है, कौन सही आत्मा है, कौन सी सही सिचुएशन है, इतनी ताकत आ जाती है। लेकिन उसके लिए अंदर सफाई चाहिए। अगर काम वासना के संकल्प हैं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के संकल्प हैं, तो फिर वो सफाई नहीं है। तो हमें फिर फोर्स लगाना पड़ेगा, मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, अहंकार दिखाना पड़ेगा, क्रोध करना पड़ेगा और जबरदस्ती करके काम करवाना पड़ेगा। आप ये अगर करवाना चाहते हैं तो आप दुखी हो जाएंगे। आप जानते ही हैं कि आपके अंदर कितनी अशांति आ जाएगी अगर आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को इस्तेमाल करते रहेंगे तो, और उस कारण से आपका शरीर भी कितना बिगड़ जाएगा। तो देखें आज परमात्मा कहते क्या है इन विकारों के बारे में। परमात्मा कहते हैं कि विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भव, सच्चे तपस्वी भव, ये पांच विकार लोगों के लिए जहरीले सांप हैं। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को इस्तेमाल नहीं करना वो हमारे लिए जहर है। उम्र भी घट जाती है इससे, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार करते करते शरीर बिगड़ जाता है, मन ही नहीं शरीर भी बिगड़ता है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि ये सांप है, ये विष है हमारे लिए। लेकिन आप योगी तपस्वी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। गले की माला मतलब आपने उसको कंट्रोल में कर लिया है, इसलिए नीलकंठ दिखाते हैं कि आपने कंठ कर लिया है, आपने इसके बाहर नहीं निकलने दिया, आपने आपने ना अहंकार, ना क्रोध, ना ईर्ष्या, ना घृणा, ना नफरत, कोई चीज आपके मुख से बाहर नहीं आ सकती है, ये शब्द यूज नहीं हो सकते आपके। इसलिए परमात्मा कहते हैं, इसलिए आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप के यादगार में सांपों की माला गले में दिखाते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप ही शंकर स्वरूप बन जाते हैं, आपके अंदर दिव्यता आ जाती है, आप अपने आप को आत्मा समझते हैं, तो आपका ये नेत्र खुल गया। खुल गया मतलब क्या है कि आपने सोल कॉन्शियसनेस को जागृत कर दिया, तो इसलिए आपकी आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण दैहिक ना होकर के आपका आत्मिक दृष्टिकोण होना ही मतलब आपका तीसरा नेत्र खुलना हो गया। लेकिन अगर आप दैहिक दृष्टि में जाएंगे तो मेरा मेरा करते रहेंगे, आत्मिक दृष्टि में जाएंगे तो मेरा कोई नहीं कहेंगे आप, तो ऑटोमेटिकली मोह खत्म हो जाएगा और अटैचमेंट खत्म हो जाएगी, तो बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, है ना, फिर एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएंगी, तो फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा। तो परमात्मा इसलिए कहते हैं कि सांप आपके लिए खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हो तो ये सांप क्या होते हैं, क्रोध अंदर आ रहा होता है लेकिन आपने उसके ऊपर दबा दिया, आप उसके ऊपर नाच रहे होते हैं, आपने उसको दबा कर रख दिया। फिर यह अधीनता की निशानी दिखाई है कि आपने इन सांपों को, पांच विकारों को, शेषनाग दिखाते ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनको आपने इतना कंट्रोल में कर दिया है कि आप हसमुख हो, आप हंस रहे हो अंदर से। इसलिए श्री कृष्ण जी को हमेशा हंसते हुए दिखाते हैं, लड़ते हुए दिखाते हैं तो तभी हंसते हुए दिखाते थे, मतलब कि वो अंदर की लड़ाई कर रहे थे, वो गुस्सा नहीं हो जाते थे, वो अंदर की लड़ाई करते हुए दिखाते हैं कि अंदर ही आत्मा को कैसे उन्होंने
इतना पवित्र बना लिया कि काम करो लोमा ओंकार रूपी जो सांप है, अब जैसे अंदर के विश्व कैसे दिखाए तो उन्होंने सांप दिखा दिया उसके लिए, तो वह सांप के ऊपर उन्होंने क्या किया, बांसुरी बजाई, मतलब कि उन्होंने अपने अंदर इन पांचों विकारों से लड़ करके उन्होंने मुरली को सुन करके उस प्यारी मीठी आध्यात्मिक ज्ञान की धुन को सुन करके कंट्रोल किया। फिर परमात्मा कहते हैं स्थिति ही स्टेज है, ये जो स्थिति है हमारी यही स्टेज है, तो जब विकारों पर इतनी विजय हो तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। ट्रू तपस्वी वही है जो कि पांच विकारों के ऊपर कंट्रोल रखता है, अगर पांच विकारों के ऊपर कंट्रोल नहीं तो उसकी तपस्या भंग हो रही है कहीं ना कहीं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आप कैसे शांति पाएं तो इन पांच विकारों को कंट्रोल करने की तरफ अपना ध्यान दें ज्यादा, और यह हो पाएगा जब आप ब्रह्म कुमारी में आकर के हर दिन एक घंटा निकाल करके अपना समय बिताएं और इस आध्यात्मिक ज्ञान और मेडिटेशन जिसको कहते हैं राजयोग या ध्यान उसको सीखें। इसके साथ ओम शांति।